सरायकेला के कुचाई में सीआरपीएफ कैंप के समीप महिला होमगार्ड जवान की गोली मारकर हत्या। कुचाई सीआरपीएफ कैंप के समीप महिला होमगार्ड जवान चलाती थी ब्यूटी पार्लर, घटनास्थल पर हथियार छोड़ भागे अपराधी। भाजपा का अल्टीमेटम, बोले जिलाध्यक्ष 24 घंटे में पुलिस करे खुलासा, अन्यथा बाजार कराएंगे बंद। सरायकेला खरसावां जिला के कुचाई थाना अंतर्गत सीआरपीएफ कैंप के समीप बीती रात बेखौफ अपराध कर्मियों ने एक महिला होमगार्ड जवान की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना शुक्रवार देर रात करीब 8 बजे के आसपास की बताई जा रही है। आनन फानन में रात करीब 9:30 बजे महिला होमगार्ड जवान को कुचाई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। महिला की पहचान 35 वर्षीय नम्रता सामड़ के रूप में की गई है। इधर घटना की सूचना मिलते ही शनिवार अहले सुबह भाजपा जिलाध्यक्ष विजय महतो, जिला परिषद जिग्गी हेम्ब्रम सहित अन्य जनप्रतिनिधि व ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घटना की कड़ी शब्दों में निंदा की है। बताया जा रहा है कि महिला होमगार्ड जवान अपना भरण पोषण करने के लिए अपने घर पर ही ब्यूटी पार्लर, सिलाई कटाई सेंटर और स्टेशनरी की दुकान चलाती थी। महिला जवान की छोटी बहन के अनुसार उसकी बहन की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, वह बेहद ही मिलनसार और जुझारू महिला थी। घटना के संबंध में मृत जवान की बहन मनीषा सामड़ ने बताया कि बीती रात गांव में पार्टी चल रही थी, जिस वजह से गोली चलने की आवाज नहीं सुनाई दी। रात करीब 9 बजे के आसपास घर पहुंचने पर देखा कि उसकी बहन लहूलुहान अवस्था में पड़ी हुई है। आनन फानन में कुचाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मनीषा ने बताया कि घटनास्थल से पुलिस ने एक देसी कट्टा बरामद किया है। वैसे सूत्रों की अगर माने तो पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। उधर कुचाई पुलिस ने महिला होमगार्ड जवान के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की छानबीन में जुट गई है। इधर भाजपा जिलाध्यक्ष विजय महतो ने घटना की कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए 24 घंटे के भीतर अपराधियों को गिरफ्तार करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, 24 घंटे में यदि अपराधी गिरफ्तार नहीं किए जाते हैं तो इसका जोरदार विरोध किया जाएगा, जरूरत पड़ी तो कुचाई बाजार को बंद भी कराया जाएगा। उन्होंने राज्य में गिरते कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, वहीं घटना के बाद गाँव में मातम पसरा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। अपराधी का मनोबल बढ़ा हुआ है और जिस तरह का कल की घटना, ये पूरा पूरी सरकार को और यहाँ के थानेदार को चुनौती का एक ये है। खास करके कुचाई मार्केट बहुत ही शांत मार्केट है और 200 गज में आपका सीआरपीएफ का कैंप है, बगल में थाना है और इस तरह का बेखौफ गुंडाई थाने का सामना हो रहा है। कहीं ना कहीं सरकार को और प्रशासन को चुनौती है और मैं मांग करता हूं, अगर 24 घंटा के अंदर अपराधी को पकड़ा नहीं गया तो हम लोग इसके लिए जन आंदोलन करेंगे और कुचाईबंदी का हम लोग ऐलान करेंगे। क्या नाम है आपका? भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष विजय। मनीषा जी, कल आपके घर में क्या कुछ घटना हुआ आपकी बहन के साथ? ये घटना मेरी बहन के साथ दुकान में हुआ, घर में नहीं। तो दुकान में वो सिलाई करती है और उसका अपना पार्लर भी है और मनिहारू का दुकान है, अकेले चलाती है, समूह से जुड़ी है और हम भी अपना दुकान चलाते हैं। तो हमको 9:20 में ये खबर मिला कि इस तरह उसको करंट लगा है। तो मेरा हस्बैंड लेकर के गए गाड़ी और उसको उठा के लेके सीधा हॉस्पिटल गए। तो हॉस्पिटल में सर जब डॉक्टर साहब चेक किए तो पता चला कि उनको लगभग 1 से 1.5 घंटा मतलब डेथ हो गया है उनका। उसको क्या गोली मारी गई तो पता नहीं चल रहा, लेकिन सिर में चोट दिख रहा है। कितना बजे की घटना? हम लोग को तो 9:20 में पता चला, लेकिन थोड़ा पहले का ही हो सकता है। क्या कुछ उसमें बरामद कुछ किया गया? जी, एक देसी कट्टा जैसा लग रहा है वो बरामद हुआ है। कोई किसी से उसे निजी कोई दुश्मनी थी या नहीं, कुछ कारण पता चला? ऐसे तो देखिए, निजी दुश्मनी तो किसी से नहीं था उसका, कमाती थी, खाती थी, मेहनत करती थी और कुछ कुछ थोड़ा बहुत झगड़ा झंझट तो रहता ही है। अब देखिए, पुलिस शायद जो भी जाँच करे उसी पर आधार मान के चलेंगे। क्या नाम हो आपका? मनीषा सिंह। इनकी बहन हुई है? जी, मैं छोटी बहन।